नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एडवाइजर्स सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल की एक नंबर एसोसिएशन, ब्रोकर एसोसिएशन, जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया की शाखाएं, रियल्टर्स मीट 2023 अपग्रेड द रियल्टर का आयोजन करने जा रही है, जो द्वारका ग्रुप द्वारा संचालित है, जो कॉर्टियर्ड बाय मैरियट सिलीगुड़ी में दोपहर 2 बजे से। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट ब्रोकरों को शिक्षित करना और उन्हें प्रशिक्षण और प्रोटोकॉल के साथ प्रमाणित करना होगा। मुख्य प्रशिक्षक श्री पीएस आनंद हैं, जो एक आधिकारिक प्रशिक्षक है, नेशनल ऑफ रियल्टर्स इंडिया और हैदराबाद से आएंगे। उनके अलावा और भी तमाम पदाधिकारी होंगे, तो इस ना करें इस तरह के प्रोग्राम को, आए और आकर के चीज़ों को और स्पष्ट तरीके से समझें। उसी से जुड़ा हुआ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, जाने और समझें। धन्यवाद। लाने के लिए हमने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज रियल्टर्स मीट 2023 ऑन द 10th ऑफ सितंबर एट द मैरियट कोर्टयार्ड बाय मैरियट मल्लापुरी। और इसमें हमारे साथ में शिरकत करेंगे एनआर इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, मिस्टर शिवा कुमार इज कमिंग फ्रॉम कोयम्बटूर, और मिस्टर पीएस आनंद इज द गेस्ट स्पीकर, जो रिएक्टर्स को ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल वे में अपने ब्रोकर फ्रिटर्निटी में काम करें। क्योंकि आज हम जानते हैं कि किसी को घर चाहिए या किसी को फ्लैट, दुकान या वेयर हाउसिंग चाहिए, तो आज जो भी अपने हार्ड एंड मनी है वो अपने घर के ऊपर, क्योंकि हम लोग को पता चला कोरोना में कि घर के यहाँ महत्व क्या है। उसके बाद में आज जितने भी हम लोग पैसे लगाते हैं एक घर के ऊपर लगाते हैं, और वो घर एक ब्रोकर के थ्रू से जब आज हम लोग कोई भी घर खरीदते हैं तो हम लोग उसमें एमिनिटीज के बारे में पता करते हैं, क्या एमिनिटीज है, क्या रेट है, बिल्डर आपसे क्या सही चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब की जानकारी हम लोग चाहते हैं कि एक सिस्टम से काम हो सिलीगुड़ी में। क्योंकि एक हार्ड एंड मनी आप लोगों का, जिंदगी का जो एक हार्ड एंड मनी है वो कहीं ना कहीं आप लोग बिल्डर को देते हो, और कोई भी ब्रोकर नहीं चाहेगा कि आज कोई भी तरीके से, आज जैसे आपको पता है कि बाजार में कारपेट एरिया, सुपर बिल्ट एरिया, बिल्ट अप एरिया के ऊपर काम हो रहा है, तो आपको पता है कि आज बिल्ट अप जो है 20% प्लस, सुपर बिल्ट अप 25% तक अभी बाजार में काम हो रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या आज एक ब्रोकर आपको जो बता रहे कि आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, जिम मिलेगा, कम्युनिटी हॉल मिलेगा, बट आप जब ले लेते हो उसके बाद में देखते हैं कि अरे वो फैसिलिटीज ही नहीं है, तो ये सब जानकारी एक प्रोफेशनल ब्रोकर ही आपको दे सकता है। तो ये प्रोफेशनल ब्रोकर्स को आज यहाँ पर कोई ऐसी स्कूल्स नहीं है, बट एनआर इंडिया का एक स्कूलिंग अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंस्टीट्यूट आ रहा है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट एजुकेशन, जो कि IIRE बोल के है, और इसके माध्यम से आज पूरे इंडिया में आपको पता ही है रेरा जब आया है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जो है, जब रेरा आने के बाद में हर स्टेट गवर्नमेंट इसको चाहता है कि कोई भी ब्रोकर आज हमें भी एक लाइसेंस लेके ही बाजार में काम करने का अनुमति है। कोई भी ब्रोकर बिना लाइसेंस के अगर ब्रोकरेज कर रहा है वो भी संविधान के अगेंस्ट है, और कोई भी बिल्डर अगर वो रेरा में अप्रूव करा के अपना प्रोजेक्ट माल नहीं बेच रहा वो भी अनऑथराइज्ड है। तो अभी रेरा के हिसाब से अपने को काम करना चाहिए, और हर रेरा लाने का मेन उद्देश्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि एक उपभोक्ता जो है उसको उसकी जानकारी होना चाहिए, उस प्रोजेक्ट, उस लैंड, उस जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको एकदम सटीक जानकारी उसके नॉलेज में होनी चाहिए। तो ये रेरा का मेन उद्देश्य है। तो इसमें रेरा चेयरमैन के हिसाब से अपने नेशनल रेरा कमेटी के एनआर इंडिया के मिस्टर महेश सोमानी जी, वो कैलकाटा से है, वो भी शिरकत कर रहे हैं। और आज अगर हम लोग बात करें बिल्डर्स फ्रेटर्निटी की, तो बिल्डर में यहाँ पर क्रेडाई नॉर्थ बंगाल है, इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर नरेश अग्रवाल जी, दे आर ऑल्सो द चैनल पार्टनर, एसोसिएट पार्टनर्स, और क्रेडाई नॉर्थ बंगाल भी हमारे साथ में एसोसिएटेड है, क्योंकि नरेश जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि ब्रोकर और बिल्डर एक सिक्के के दो पहलू, और हमें उसी हिसाब से काम करना है। तो ये चीज है, और जो ब्रोकर सिलीगुड़ी में अनऑथराइज वे में काम कर रहे हैं उनको पहला बात है उनको रेरा के बारे में नॉलेज देना, उनको बताना कि भाई आप सिस्टम से काम करो, जानकारी आपको होनी चाहिए मार्केट के बारे में, नहीं तो क्या कि आज एक हार्ड एंड मनी कोई भी एक जगह में अगर, क्योंकि एक ब्रोकर के ऊपर डिपेंड रहता है कि आज अगर हम आपको ले गए कोई साइट में कि आपको ये मिल रहा है वो मिल रहा है और आपका एक
बड़ा लमसम अमाउंट जो हमने बिल्डर को दिलवा दिया, बट बाद में अगर आपको तकलीफ होती है और वो बिल्डर आनाकानी करता तो वो ब्रोकर ही है जो आपको पैसा वापस रिमबर्स करवा सकते हैं। और हीरा के हिसाब से अगर कोई चीज बिल्डर उसको कमिट कर रहा है या ब्रोकर कमिट कर रहे हैं तो उसको फुलफिलमेंट वो होना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर में 100 times पेनल्टी भी है जो कि आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी अनऑथराइज सेल्स नहीं होना चाहिए, मार्केटिंग नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। उसीलिए हम लोग ये मीट कर रहे हैं जिसमें द्वारिका ग्रुप ऑफ कंपनीज का हमें हर समय सहयोग रहा है, और भी हमारे साथ में काफी बिल्डर्स में जुड़े हैं, प्लस रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि पूरे इंडिया में जितने भी ब्रांड्स है उसमें जो काम कर रहे हैं उनका भी एक सहयोग रहेगा। रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से रेखा दे बोल के कैलकटा से वो भी इसमें आ रही है, क्योंकि आज जो भी ब्रांड्स आप देख रहे हो, सिलीगुड़ी भी एक डेवलपिंग सिटी है जिसमें काफी नए नए मॉल्स आ रहे हैं, काफी नए मार्केट्स आ रहे हैं, काफी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं। तो उसके लिए रिटेल ब्रांड्स अभी सिलीगुड़ी में आपको दिख ही रहा है, हर तरह का ब्रांड सिलीगुड़ी में आ चुका है जो कि नेशनलाइज या मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो भी ऑलरेडी सिलीगुड़ी में काम कर रही है, और जो भी आना चाहते हैं उनके लिए सिलीगुड़ी शहर का एक दरवाजा बहुत बड़ा है। यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छा है क्योंकि चारों तरफ से कनेक्टिंग बाय अदर कंट्रीज है, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, वहां के भी लोग सिलीगुड़ी में आते हैं, घर लेते हैं, ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। डुअर्स यहाँ का बहुत बड़ा एक मार्केट है जो कि डुअर्स और हिल्स से जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर उनको भी मार्केट अपॉर्चुनिटी बड़ा मिल रहा है, तो डुअर्स एक बहुत बड़ा मार्केट उनको यहाँ मिल रहा है। हिल्स का जो आपको पता ही है, हिल्स का भी बहुत बड़ा मार्केट है जो सिलीगुड़ी आयोजित की गई है, और इसका मेन मोटिव है कि हम बहुत इस 10 सितंबर को एरियाज की तरफ से एक रियल्टर्स मीट का अरेंजमेंट किया जा रहा है जिसमें नेशनल लेवल से बहुत सारे ट्रेनीज आएंगे या रेरा से रिलेटेड जो जिनको पूरी नॉलेज है वो यहाँ पे आ रहे हैं, और उनका मकसद ये है कि हम लोग के आसपास सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी के आसपास में जितने भी लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो हो सकता है संगठित वे में कर रहे हो या असंगठित वे में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसका मेन मोटिव ये है कि जो लोग भी रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं वे इस प्रोग्राम को अटेंड करें। अटेंड करने से उनका एक फायदा क्या रहेगा, एक तो उनको संगठन का लाभ होगा, उनको पता चलेगा कि हम लोग अगर एरियाज के मेंबर बनते हैं या एरिया के साथ में जुड़ते हैं तो इस सेक्टर में काम करने का हम लोगों को बेनिफिट क्या है। जो भी आज नेशनल बॉडी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, रेरा जो आया है, रेरा में कैसे काम करना होता है, वो सारी चीजें जानकारी आपको इस एसोसिएशन में आने से फायदा होती है। उसके अलावा आज के दिन में मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के बिजनेस में 15 साल से हूँ, लेकिन पिछले जब से मैं एरिया से जुड़ा हूँ मुझे भी पर्सनल ग्रोथ मिला है, एक रिकॉग्नाइजेशन मिला है, क्योंकि आज हम लोग बीइंग एरिया के मेंबर के हिसाब से अगर किसी भी बिल्डर को अप्रोच करते हैं तो एक हम लोग को एक अलग प्रिविलेज मिलता है। उनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एरियाज के मेंबर्स को स्पेशल इन्विटेशन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन की भी बात है और अपने को स्कोप मिल रहा है कि आज सिलीगुड़ी बैठे बैठे हम लोग अक्रॉस कंट्री में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं। मेरा पर्सनल लाभ मिला है कि मैं सिलीगुड़ी में बैठते भी केरल में, कर्नाटका में, वहां पे मेरे चैनल पार्टनर के थ्रू में हम लोग बिजनेस करते हैं, तो ये एक बेनिफिट है कि एरिया में आने का। इसलिए जितने भी लोग सिलीगुड़ी या उसके आसपास में जो रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हैं, उन लोगों से हम लोग की निवेदन रहेगी कि 10 सितंबर को हम लोग का जो प्रोग्राम हो रहा है आप उसको ज्वाइन करें। इसके लिए आपका कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और आप उसके साथ साथ अगर एरियाज के मेंबर बनते हैं तो आपको उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट है जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को भी ग्रोथ करेगा और एक कहीं ना कहीं आपकी रिकॉग्नाइजेशन भी देगा। इसलिए जितने भी लोग जो रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 10 सितंबर को होने वाले रियल्टर्स मीट में जरूर से जरूर शामिल हो, और उसके लिए हम लोगों का 2 नंबर ऑलरेडी हम लोग की प्रेस मीट में भी बताया हुआ है, उसमें आप संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। और मैं बता दूं कि फर्स्ट काम कर रहा है और महाराष्ट्र रेरा जितना रूल्स और रेगुलेशंस के साथ काम कर रहा है बाकी स्टेट्स उसको फॉलो करके काम कर रहा है, और महारेरा के बाद में आपको मैं बता दूं कि आने वाले टाइम में आज जो हम लोग सुपर बिल्ट है ये सब भी आने वाले टाइम में देखिएगा कार्पेट में 100% टर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि आपको कार्पेट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, फ्यूचर यही बोलते हैं। दूसरा चीज है कि आपको ऑफिस जो है एक ब्रोकर का भी एक प्रोफेशनल ऑफिस चाहिएगा आने वाले टाइम में, ये भी एक चेंजेस आने वाला है। प्लस आपको WB रेरा जो नंबर है उसके बिना काम करना बहुत मुश्किल होगा एक संगठन के बिना, क्योंकि आज आपको पता है कि इतना गवर्नमेंट चेंजेस आ रहा है कि उसमें अगर आप प्रोफेशनली आप काम नहीं करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे।
तो इसी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोग चाहते हैं कि मेंबर्स हमारे साथ जुड़े और इस चीज को, क्योंकि आज हमारे एरियाज में 51 मेंबर्स है और ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री में हमारे पास में 45,000 मेंबर्स है, तो हम लोग चाहते हैं कि और भी मेंबर्स इसमें जुड़े, एनएआर के साथ में एसोसिएटेड हो और हमारा आने वाला बहुत सारे कार्यक्रम है जो हमारा थ्रू आउट इंडिया चलता रहता है। और अभी जो प्रोग्राम हो रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट रियल स्टेट इवेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया होने वाला है।